हेलो फ्रेंड्स, आद्यास क्रिएशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं लाल राजगिरा सब्जी। इसको लाल माट भी बोलते हैं और इंग्लिश में रेड अमरंथ बोलते हैं, रेड स्पिनेच भी बोलते हैं इसको। इस सब्जी में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइटोकेमिकल्स, विटामिन सी पाए जाते हैं। ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। हरे राजगिरे के तुलना में लाल राजगिरा बहुत अच्छा है। राजगिरा पत्तियों को अच्छे से धो के बारीक काट लिया है। उसी के साथ 3 से 4 हरी मिर्च, 8 से 9 लहसुन की कलियां और 2 मीडियम साइज़ के प्याज को काट के लिया है। एक कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच तेल लेना है। वो गर्म होने के बाद 1 चम्मच राई और 1/2 चम्मच जीरा डालना है। अभी इसमें लहसुन डालना है। थोड़ी देर के लिए अच्छे से भुनना है और उसके बाद बीच में काटे हुए हरी मिर्च डालना है। हरी मिर्च और लहसुन को थोड़ी देर के लिए भुनना है। अब इसमें कटा हुआ प्याज डालना है और प्याज को भी थोड़ी देर के लिए चलाना है। हल्के से गुलाबी रंग आने तक चलाना है। एक चौथाई चम्मच हल्दी भी डालना है। इसके अंदर लहसुन डाला है इसलिए हींग डालने की जरूरत नहीं है। सभी चीज अच्छे से पकने के बाद 2 से 3 लाल मिर्च डालना है। लाल मिर्च से अलग टेस्ट आता है। अब इसके अंदर कटा हुआ लाल राजगिरा को डाल के अच्छे से मिलाना है। इस भाजी के अंदर बिल्कुल पानी डालने की जरूरत नहीं है। अब इसमें स्वादानुसार नमक डाल के फिर से एक बार अच्छे से मिलाना है। ये देख सकते हैं कि पानी कितना निकल गया है उसका। अब इसको ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए पकाना है। पाँच मिनट के बाद भाजी अच्छे से पक गई है। अब इसके अंदर पका हुआ दाल को डालना है। तूर दाल भी ले सकते हैं, मूंग दाल भी ले सकते हैं। मैंने अभी तूर दाल लिया है। भाजी के अंदर इसका अच्छे से बाइंडिंग भी आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। एक बार फिर से अच्छे से मिला के 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। ये लीजिए, भाजी अभी तैयार है। अब रोटी, चपाती, पूरी किसी के साथ भी ये भाजी बहुत अच्छी लगती है। हेल्दी और टेस्टी लाल राजगिरा सब्जी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।